हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आज है संडे और अभी जस्ट मैंने मेरा वर्कआउट ख़त्म किया है। अभी दोपहर के यहाँ पर बज रहे हैं करीब 2। तो मैं आज एक्चुअली लेट उठा, 11 बजे में उठा, ब्रेकफास्ट किया और मैं जिम में जाके वर्कआउट वगैरह ख़त्म किया। और जैसे मैं बाहर निकला घर के तो मुझे यहाँ पर म्यूज़िक सुनाई दिया, तो जैसे आपको भी शायद अभी सुनाई दे रहा होगा। तो उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि स्पेन में 2 कल्चर है। जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजन हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के हैं, स्पेनिश और दूसरा है कैटलान। तो यहाँ पर जो 2 लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है और दूसरी है कैटलान लैंग्वेज। तो ये दोनों अलग अलग रिलीजन है यहाँ पर। और आज यहाँ पर एक फेस्टिवल है, उसे बोलते हैं अपेक दे सारदाना। तो यहाँ पर होता ऐसा है कि म्यूज़िक बजाते हैं लोग और सर्कल में डांस करते हैं। तो एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था, बट जस्ट अभी मेरे घर के बाहर, जस्ट घर के बाहर मेरे यहाँ पर उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। और मैंने यहाँ पर एक स्पेनिश बंदे को पूछा कि यहाँ पे ये चल क्या रहा है, कौन सा फेस्टिवल है। तो उसने मुझे इसका थोड़ा हिस्ट्री बताया और मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ क्या है। तो अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं और मैं आपको बताऊँगा कि वो किस टाइप का म्यूज़िक प्ले करते हैं और किस टाइप का वो डांस करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे घर के बाहर यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हुए हैं इस फेस्टिवल के लिए। तो जैसे कि ये फेस्टिवल, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 कल्चर है, एक स्पेनिश और एक कैटलान। तो ये जो फेस्टिवल है ये बस स्पेनिश लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर लोग सर्कल में जमा हुए हैं और यहाँ पर ये अभी म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक कितना बड़ा वायलिन है, तो इसको वायलिन नहीं बोलते, इसे एक वायलिन का टाइप है काफ़ी बड़ा, इसे सेलो कुछ बोलते हैं। तो यहाँ स्पेन में ग्रुप डांस काफ़ी फेमस है, यहाँ पर वीकेंड्स के दिन काफ़ी ग्रुप डांस होते हैं। तो स्पेन में जो ग्रुप डांस होते हैं, ब्रीफ ग्रुप डांस, उसे स्पेनिश में बोलते हैं बालादेस। तो काफ़ी फेमस है, लाइक 5 से 10 मिनट का यहाँ पर डांस होता है, तो कोई भी जाके उस डांस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा, लोग ग्रुप बना के डांस कर रहे थे हर एज के, तो कोई भी उस ग्रुप में जाके डांस कर सकता है। अगर मुझे भी डांस करना है तो मैं वो कोई भी ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकता हूँ डांस के लिए। तो काफ़ी बढ़िया है वो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ कैटलान फॉलो करते हैं, स्पेनिश लोग इसे फॉलो नहीं करते। तो वो जो ग्रुप है उसमें सारे कैटलान लोग हैं, स्पेनिश लोग आपको कोई भी नहीं दिखेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअली ग्रुप बने हुए हैं स्पेनिश और कैटलान के। तो यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी सुना है कि जो कैटलान लोग हैं वो थोड़ा स्पेनिश लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये जो 2 लैंग्वेज है उसमें से कैटलान लैंग्वेज काफ़ी ट्रेडिशनल है और काफ़ी लोग कैटलान बोलना पसंद करते हैं, स्पेनिश नहीं बोलते। और जिन लोगों को स्पेनिश आती है, यहाँ पर जो स्पेनिश बोलते हैं, उनको कैटलान लोग थोड़ा सा लाइक अपने लाइक पास नहीं आने देते, थोड़ा दूर ही रखते हैं। तो या ये डिफरेंस मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला, एक्चुअली पता चला इन द सेंस मैंने ये बात सुनी, क्योंकि मैं स्पेनिश नहीं हूँ तो मैंने ये बात एक्सपीरियंस नहीं की है। तो ये बातें मैंने सुनी है स्पेनिश लोगों से, उन्होंने मुझे ये बातें बताई है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे घर के पास यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस है स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर हर वीकेंड के दिन, सैटरडे और संडे के दिन, यहाँ पर सेकंड हैंड बुक की शॉप स्टोर लगता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पीछे,
ये बुक स्टॉल है और यहाँ पर सेकंड हैंड शॉप, जो भी सेकंड हैंड बुक्स होती है वो यहाँ पर मिलती है और काफ़ी सस्ती बुक्स है यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली सारे बुक्स स्पेनिश में है, तो मुझे बुक पढ़ने की आदत है, बट मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स ऑलरेडी है जो कि मैंने बाय किए। बट यहाँ पर जब मैं आया तो मैं थोड़ा खुश हो गया था कि यार यहाँ पे तो सेकंड हैंड बुक मिल रही है और काफ़ी अच्छी अच्छी है, पर देखा तो सारी स्पेनिश में है। तो यहाँ पर मैं तो बाय नहीं कर सकता, बट मैं आपको भी अंदर जाके बताऊँगा कि जो सेकंड हैंड बुक है वो कितने की है और कौन कौन सी है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, मैंने आपको बुक्स तो बताया था, बट यहाँ पर सारे DVDs और CDs भी मिलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, ये कैसेट हम बचपन में सुनते थे, तो इनके पास वही उस टाइप की कैसेट है, बट ये सारे स्पेनिश और कैटलान के सॉन्ग ही है जैसे आप देख रहे हो। ये देख के मुझे याद आ गया मेरा बचपन। इनके पास DVDs भी है और जो स्पेनिश मूवीज़ है देखो, जैसे आप देख रहे हो वो भी इनके पास काफ़ी है और काफ़ी सस्ते ही है। आगे हम थोड़ा जाके देखते हैं। ये सारा बुक स्टॉल है और यहाँ पर बुक्स है। इस साइड में भी जैसे आप देख रहे हो, ये सारे सेकंड हैंड बुक्स है और काफ़ी सस्ते हैं। आई थिंक अभी ये बंद होने वाला है क्योंकि लोग अभी पैकअप कर रहे हैं। ये सुबह से एक्चुअली लगा था, तो शायद अभी इनका ये बंद करने का टाइम है। अलग अलग टाइप के यहाँ पर मैगजीन भी है जैसे आप देख रहे हो, 1 यूरो। वही मैंने आपको बोला, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सारे बुक्स है जो स्पेनिश में ही हैं, तो मैं तो खरीद के कोई मतलब बनता नहीं है। टॉयज भी यहाँ पर है जैसे आप देख रहे हो। तो ये आपको देख के याद आ गया होगा, बचपन में हम मांगा पढ़ते थे, तो यहाँ पर ये सारे मांगा बुक्स हैं, बट सारे स्पेनिश में हैं। लेके कोई बनता नहीं है बात। जैसे कि आपने देखा ये स्टॉल हर सैटरडे संडे यहाँ पर लगता है, बट मेरे कुछ काम का है नहीं है तो, और जो मेरा जिम है वो बस इसके बगल में ही है। तो और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है स्टेशन, यहाँ का मेरे घर के पास ही स्टेशन है, इसका नाम है सैंट एंथनी स्टेशन। काफ़ी बड़ा स्टेशन ही है। वैसे मैंने यहाँ पर कभी ट्रेन यूज़ नहीं की है, मैं यूजुअली यहाँ से बस यूज़ करता हूँ, क्योंकि बस स्टॉप जो है मेरे घर के पास है और उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और मैं उस बस से लाइक जहाँ भी मुझे जाना होता है इजीली जा सकता हूँ। तो मुझे अभी तक मेरे घर के पास का जो रेलवे स्टेशन है वो मुझे यूज़ करने का अभी तक काम गिरा नहीं है, बट मे बी इन द फ्यूचर अगर मैं ये ट्रेन स्टेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको अंदर बताऊँगा कि यहाँ का जो मेरे घर के पास स्टेशन है वो कैसे दिखता है, यहाँ की ट्रेन कैसी दिखती है, तो वो वीडियो भी काफ़ी जल्दी आने वाला है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लोग बाहर लंच टाइम पर बैठ चुके हैं अपना लंच करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से स्टॉल लगते हैं बाहर, जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर बाहर स्टॉल लगते हैं और लोग बाहर खाना पसंद करते हैं। और स्पेन में जो लंच टाइम होता है वो 1 बजे स्टार्ट होता है, जैसे हमारे इंडिया में हम 11 या 12 बजे लंच करते हैं, बट यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो 1 बजे के बाद ही खुलते हैं। अगर आपको 12 बजे भी भूख लग रही है, आपको 12:30 बजे भूख लग रही है, आप खाना नहीं खा सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग लंच लेट करते हैं, ब्रेकफास्ट भी लेट करते हैं और डिनर भी लेट करते हैं, तो यहाँ का उल्टा कल्चर है। तो मुझसे तो ये होता नहीं है, तो मैं काफ़ी जल्दी ब्रेकफास्ट और लंच कर लेता हूँ क्योंकि मैं घर पे ही बनाता हूँ। अभी बड़े ज़ोरों से भूख लगी है, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके आई विल कुक समथिंग, मोर कार्ब्स मोर प्रोटीन। तो आपने मेरा तारागोना वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो स्पेनिश फेस्टिवल होता है, मैंने आपको उसमें बताया था कि काफ़ी सारे लोग एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, तो जैसे हमारा मटकी तोड़ फेस्टिवल होता है बस उसी तरीके का फेस्टिवल है वो। तो उस पर जैसे
लोग लेयर के हिसाब से ऊपर चढ़ते हैं और कुछ मटकी होती है वो फोड़ते हैं, तो वो फेस्टिवल है स्पैनिश का। और जो आज वाला फेस्टिवल था वो था कैटलन फेस्टिवल। तो जो हमने तारागोना में देखा था उसका नाम था कास्टेलर्स दे विला फ्रांसा, तो वो स्पैनिश था। और आज जो हमने देखा वो कैटलन था। तो यहाँ पर कैटलन और स्पैनिश अलग अलग फेस्टिवल होते हैं और लोग अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, साथ में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और यहाँ पर मुझे आपको और एक बात ये बतानी है कि यहाँ पर जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर कैटलन में पढ़ाते हैं। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कैटलन लैंग्वेज होती है, नॉट स्पैनिश। तो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कैटलन ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्कूल में भी कैटलन प्रिफर करते हैं लोग पढ़ना। और ये जो दो लैंग्वेज है स्पैनिश और कैटलन, ये टोटली डिफरेंट है, इनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। इनका लिखना भी अलग है और प्रोनंसिएशन भी इसका टोटली अलग है। तो अगर आपको, आप अगर स्पेन में आ रहे हो और आपको अगर स्पैनिश सीखना है, तो अगर आप स्पेन में आ रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है कैटलन, एक है स्पैनिश। तो दोनों अलग लैंग्वेज है। तो फाइनली आज डिलीवर हो गया है, तो अगली वीडियो में हम इसको अनपैक करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।